तो हाँ भाई छोटे कहाँ चले? मूसा पैनी आइलैंड। तो जो इन्होंने ये कार्ड से हमारे को दिए थे ये वापस ले रहे हैं, और ये सिप है। ये चाची हमें मिली है, हमारे को स्कूटी देगी ये रेंट पे। अब ये मेरे को श्योर नहीं था कि स्कैम था या फिर एक्चुअल में लेनी होती है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम आपका एक नए व्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं नूसा पैनिडा। अभी यहाँ से हम होटल से चेकआउट करके निकलेंगे सोनार हार्बर की तरफ, और वहाँ से हम स्पीड बोट लेके नूसा पैनिडा पहुँचेंगे। और इस बीच हमारा जो टाइम लगेगा वो 30 मिनट अप्रोक्स यहाँ से हमारे होटल से सोनार हार्बर तक का लगेगा, और उसके बाद अप्रोक्स 30-35 मिनट ड्रॉप है नूसा पैनिडा में, वहाँ तक का लगेगा। और नूसा पैनिडा से देखते हैं कितना डिस्टेंस है हमारे नेक्स्ट होटल का। गाइस हमारी गाड़ी आ गई है और ये हमारे को हार्बर तक लेके जाएगी। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं सोनार हार्बर, और सोनार हार्बर का ऑफिस उधर है। अभी यहाँ से हमारे को टिकट बुक करनी है फेरी के लिए, और उसके बाद हम जाएंगे हार्बर पे। हार्बर आगे है, तो एक बार टिकट बाय कर लेते फिर आपको प्राइस बताता हूँ। तो गाइस मैंने टिकट ले लिए हैं, और भैया ने मेरे को स्टार्टिंग में मांगे थे 400, पर मेरे को पता था कि 300 में होगा, तो मैंने सीधा बोला कि 300 दूंगा रिटर्न टिकट्स के, तो इन्होंने दे दी। तो टिकट हमारे को मिल गई है, अभी भैया हमारे को बोर्ड कराने जा रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि आपका ना मिनिमम जो लगेगा वो 3 लाख लगेगा एक बंदे का रिटर्न का, आने जाने का 1.5 मान के चलो। तो ये कितना भी मांगेंगे पर ना इनको सीधा बोल देना कि मैं तो भाई 3 लाख दूंगा, और 3 लाख में देता हो तो बता। तो एक बार तो ये बकचोदी करेंगे, एक बार तो ये बोलेंगे कि नहीं हम इतने में देंगे, नो नो, पर निकल लेना उधर से, निकलोगे ना अपने आप ही बुला लेंगे और 3 लाख में तुम्हारे को दे देंगे। तो नो मतलब ये 3 लाख का बजट ना सही है, अगर आपको प्रो हो आप बार्गेनिंग में तो शायद आप 10-20 हज़ार और बचा लोगे, पर 3 लाख एक पर्सन के लिए इनफ है। हम दोनों ने 6 लाख में 2 पर्सन के लिए रिटर्न टिकट, यानी आना जाना दोनों साइड। अभी इन्होंने हमारे को बोर्डिंग पास के नाम पे ये कुछ आई कार्ड से दिए हैं, और इन आई कार्ड्स के थ्रू हमारे को वहाँ पे एंट्री मिलेगी। तो ये यहाँ का हार्बर है, और हमारे को ये स्कैनिंग के लिए कुछ मिला है जिसके थ्रू हम एंट्री कर सकते हैं अंदर। उसके बाद शायद हमारे बैग वगैरह में भी चेक होंगे, और फिर उसके बाद बोर्डिंग होगी। तो अंदर चल के देखते हैं क्या प्रोसेस है। और हार्बर देखने में तो भाई साहब तगड़ा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हार्बर होगा, क्योंकि पहले जो मैंने हार्बर देखे ना बड़े बेकार से देखे थे। विन टू चेकिंग, ओके, वेटिंग आउटसाइड, ओके, चेक इन हेयर देयर, ओके, थैंक यू। तो हमारे इधर टिकट्स चेक होंगे, और ये हो गया, तो ऐसा दिखता है। अभी थोड़ा सा टाइम है, 10:30 बजे बोर्डिंग स्टार्ट होगी, तो अभी हम यहाँ पे वेट करेंगे। गाइस इनका जो हार्बर है वो देखने में कुछ ऐसा है, मतलब सही है, नीट एंड क्लीन है। मैंने जो पहले देखा था ना वो इतना अच्छा नहीं था, ये देखो काफ़ी एयरपोर्ट के जैसे बना रखा है पूरा, मतलब इजीली आप मूव कर सकते हो। और इस तरह की स्पीड बोट में बैठा के लेके जाएंगे, बस वेदर अच्छा हो ताकि कोई दिक्कत ना हो। और इधर से ऐसा कुछ दिख रहा है, ये टेम्पल हर जगह बना रखे इन्होंने, और ये कुछ फिश जैसा स्ट्रक्चर बना रखे इन्होंने साथ में कुछ, और चारों तरफ देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। वेदर अभी काफ़ी सनी है और धूप शार्प है काफ़ी, तो अंदर ही चल के बैठते हैं एसी में। सलोनी को भूख लगी थी, थोड़ी बहुत मेरे को भी लगी थी, तो अभी हमारे पास 25 मिनट थे बोर्ड करने के लिए, तो मैं बाहर आ गया। और अभी मैं लेके आया हूँ ऑरेंज जूस और फ्रेंच फ्राइज, तो चलती बोर्ड में बैठ के खाएंगे। तो गाइस हमारी एंट्री हो गई है, और हमारे बोर्डिंग पास पे इन्होंने कुछ काटम लगा दिया है जिससे इनको पता चल जाए कि ये एंटर हो चुके हैं। ये देखो भाई साहब, मतलब काफ़ी अच्छा बना रखा है यार ये, मतलब नीट एंड क्लीन है, और पानी के अंदर नहीं घुसना पड़ेगा, सीधा बोर्ड पे चढ़ सकते हैं। और ये वो पोर्ट था जिसके अंदर हम वेट कर रहे थे, शिप टाइप ही बना रखा है। ये देखो फिश और ऊपर ईगल। तो हाँ भाई छोटे कहाँ चले? मूसा पैनिडा आइलैंड। तो जो इन्होंने ये कार्ड से हमारे को दिए थे ये वापस ले रहे हैं, और ये सिप है, थैंक यू। ये सिप है, काफ़ी बड़ी है वैसे तो, इसको बोलते हैं स्पीड बोट, और इसके अंदर हम जाएंगे।
आई थिंक ऊपर तो जाने नहीं देंगे, ऊपर तो इनका पायलट वगैरह होगा। ये देखो एमरजेंसी के लिए बॉक्स वगैरह रखे हुए हैं। इतने आगे मत चलना के धूप को। ना इधर धूप लगेगी, इधर बैठ। तो गाइस हमारी बोट निकल चुकी है हार्बर से। देखो गाइस हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हार्बर के पास और मज़ा आ गया इधर, बहुत ठंडी हवा लग रही थी। तो गाइस अभी हम उतर रहे हैं और उतरने के बाद इधर से हमारे को स्कूटी रेंट करनी है और स्कूटी रेंट करके हम सीधे होटल जाएंगे। रिजॉर्ट है इस बार, ही होटल नहीं है। ओ भाई साहब ये देखो यार मस्त आइलैंड है। तो नन्नू तेरे को चक्कर वक्कर तो नहीं आए ना? थोड़ा सा आया था स्टार्टिंग में, फिर पीछे जाके खड़ा हो गया था भाई। मतलब ये ना बहुत ज्यादा हिलती है, तो अभी भी ना ये पता नहीं है। अच्छा ये हिल रहा है, मेरे को लगा कि मोशन सिकनेस होगी। चलो इधर से निकलते हैं, निकल के और स्कूटी रेंट करते हैं। और गाइस ये वाली बोट थी अपनी जिस पे हम आए हैं, काफी ठीक थी। मतलब इतना कूद नहीं रही थी, सही चल रहे थे आराम से। काकू 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 मजे में आए। यस वी नीड स्कूटी, यस रेंट। Yeah. ये चाची हमें मिली है, हमारे को स्कूटी देगी ये रेंट पे। देखते हैं कितने में दिलाएगी। यू नो हिंदी। सो गाइस आप लोग भी नूसा पैनी डाल के डायरेक्ट स्कूटी रेंट कर सकते हो। बस आपको एक इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो आपके पास है तो आप इजीली राइड कर सकते हो। तो गाइस वो आंटी स्कूटी के बहुत ज़्यादा मांग रही थी पर मैंने उसको नहीं दिए, तो अभी और कोई देखते हैं जो यहाँ पे स्कूटर देता है अपने को और उनसे रेंट करके निकलेंगे अपने होटल के लिए। तो लेट्स सी अपने को स्कूटी कितनी देर में मिलती है। और अभी जो टाइम हुआ है अप्रोक्स 11:45 हुए हैं, 15 मिनट रहती है 12 बजने में, और हमारा टारगेट है कि हमें 15 मिनट में स्कूटी ढूंढ लेनी है। तो हमारे को यहाँ पे एंटर करते ही इधर एक काउंटर मिला जहाँ से हमारे को ये टिकट लेनी पड़ी है, और इन टिकट्स पे बोल रहे थे कि कुछ टैक्स वैक्स है और इसको लेके आप पूरे आइलैंड पे घूम सकते हो। अभी ये मेरे को श्योर नहीं था कि स्कैम था या फिर एक्चुअल में लेनी होती है। तो चलो यहाँ से निकलते हैं, फिर किसी से पूछते हैं कि हमने ये दिया है या सही दिया है या गलत दिया है। चलो लेट्स सी। तो गाइस हमने ये स्कूटी रेंट करी है 2.5 लाख रुपए में, इंडोनेशियन रुपीज़ में। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं होटल की तरफ और हमारा होटल इधर से दिखा रहा है 17 मिनट का रास्ता 6 किलोमीटर। तो गाइस हम पहुंच गए हैं और स्कूटी पार्क हमने कर दी है। ये स्कूटी हमें रेंट पे ली है, देखने में ठीक है, ब्लैक कलर की, बस चलती सही है इधर की स्कूटी। और ये एरिया कुछ ऐसा है आसपास का, और ये बटरेज कॉटेज गार्डन कॉटेज इस पे है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये हमारा रिजोर्ट से, तो अभी हम रिसेप्शन पे चेक इन कर लेते हैं। हेलो वी हैव अ रिजर्वेशन बाय नेम ऑफ नितीश अद्वित्य। तो गाइज ये हमारा भाई साहब होटल है, दिस इज फॉर के। थैंक यू सो मच भैया, तो वेलकम ड्रिंक मिल गया और इस व्यू के साथ। ओह माय गॉड, हेलो भाई साहब देख रहे हो व्यू, मैं तो सारी शाम यहाँ गुजार दूंगा भाई साहब, पानी में बैठ के मस्त है कितना। और इनमें से हमारे को एक कॉटेज मिलेगा, बाकी अंदर से देखते हैं कैसा होगा। यार बहुत खूबसूरत है, यार बहुत खूबसूरत है, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा, बोटों के सिवाय पहाड़ों के सिवाय। ओह तो दोस्तों फाइनली 1.5 घंटे के वेट के बाद रूम रेडी है हमारा, तो चलो अब चलते हैं अपने रूम में। बैग उठा के पहले बैग लेना है। थैंक यू। होप
आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज, और ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखें, वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,